नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लखन में। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उनको भी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर, पृष्ठीय तनाव। बाल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? आंसर, शहतूत। रेशम के कीड़े शहतूत वृक्ष पर पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर, तांबे की खान। तांबे की खान के लिए राजस्थान की नामक खेतड़ी नामक क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आंसर, शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंसर, रेटिना पर। मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? आंसर, विकिरण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणी कुंडली का पता किसने लगाया? आंसर, वाटसन और ग्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? आंसर, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन कहलाता है? आंसर, एपिकल्चर। मधुमक्खी पालन एपिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? आंसर, होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर, उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? आंसर, 332 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य परिस्थितियों में हवा की में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? आंसर, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? आंसर, हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर, शुक्र। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? आंसर, 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्पचल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? आंसर, हेली पुष्पचल तारा। हेली पुष्पचल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? आंसर, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आंसर, 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? आंसर, 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है?
आंसर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? आंसर रेडान। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान है। अगला क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर थोरियम। मोनेजाइट बालू में थोरियम गैस खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्थायी ग्रंथि कौन सी है? आंसर थायराइड, थायराइड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्थायी ग्रंथि थायराइड है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।